धुंधली को जैसा ही मंत्र जब होने लगा, अब सुबह से कुछ खाना नहीं खाया था, पानी भी नहीं पिया, अब ऊँ ही एकदम नींद आने लगी, ऐसा होने लगा, शरीर भी का अनुभव होने लगा। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे हिला रहा है और कोई बात कर रहा है। मैं एकदम जाग गया कि कौन हिला रहा है, कौन देख रहा है, इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखा। लेकिन जब वो ऊँगने में मुझे ऐसा लगा परम पूज्य सद्गुरुदेव जी मुझे बात कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि मैं जो ये मंत्र बोल रहा हूँ मेरे साथ 11 बार बोल। मैंने क्या बोल रहे हैं ये नहीं देखा और मैं 11 बार मंत्र बोलते गया। अब बोले रक्षा चक्र खींच ले, चल तारा साथ आराम कर, मैं तो लात मारता हूँ, ऐसी बात है। अब मैं तो डर गया, इधर से गुरु जी की लात तो भी खानी है, नहीं तो साधना तो करनी है, बैठा रहा बैठा हूँ। मैंने कहा गुरु जी ने जब ये बात की है तो साधना आरम्भ कर देते हैं। कैसी किस प्रकार की शक्ति ने मुझे आह्वानित किया वो पता नहीं, मैं मंत्र जप करता गया। सुबह के 3 बज गए, मुझे पता नहीं चला, वहीं बैठ गया और उस मंत्र से जो मंत्र दिया था उस मंत्र की शक्ति इस प्रकार मेरे में काम करने लगी कि मुझे साधना पूर्ण करनी ही है चाहे कुछ भी हो। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन देखता हूँ क्या रात का समय था, मुझे झाड़ियों में से कोई चीज़ जा रही है दिखा, मुझे लगा कि वो शेर ही है। अब तो वो तो खाने आए रक्षा चक्र को, वो किस लिए देखने गया। एक मिनट के लिए डर लगा, लेकिन वह जो मंत्र था बार बार गुरु जी का मंत्र याद आ रहा था और मैं मंत्र उस मंत्र को बोलता था सुबह के समय में, रात के समय साधना संपन्न करता था। तीसरा दिन गुजर गया, चौथा दिन भी गुजरा और पांचवा दिन गुजरने में बस कुछ ही क्षण बाकी थे, यानी 1 घंटे के क्षण बाकी थे, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई खड़ाऊ लेकर एक सन्यासी आ रहा है। वहाँ से सामने से देखो सामने आया और मेरे रक्षा चक्र के सामने खड़ा हुआ। उसने कहा कि वो रक्षा चक्र तोड़ दे, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा किसी भी हालत में तुझे रक्षा चक्र तोड़ना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी बोले। मैं बोला गुरु जी की आज्ञा है, मैं रक्षा चक्र नहीं तोड़ता, आप बोलो क्या बात है, मुझे मंत्र जप करना है, आप जाओ। अरे भाई मैं भी तो साधु हूँ, मैं भी तुम्हारे गुरु का शिष्य हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप मेरे गुरु जी के शिष्य हैं, लेकिन मेरे गुरु की आज्ञा है कि इस रक्षा चक्र को मत तोड़ो। वो वहाँ से चला गया, मैं मंत्र जप करता रहा, मेरा मंत्र जप पूरा हो गया। अभी मैं उठने की बात कर रहा था, 5 दिन से खाया ना पिया क्या हालत होती है आपको पता है, और 100 सीढ़ियाँ नीचे उतर गए। अब 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है, 2 रुपये जेब में है और घर को जाना है। सिद्धि प्राप्त हुई या नहीं हुई वो बात अलग, गुरु जी ने जो कहा वो काम को कर्तव्य तो हमने किया। उतने में वो खड़ाऊ की आवाज़ फिर आई मेरे पास, वो साधु आ गया, बोले और साधना हो गई। अरे ये मेरे पीछे क्यों पड़ा यार, ये नहीं उसका काम वो कर ले मेरा पीछे, भाई साधना हो गई आप ठीक है आप जाइए। उन्होंने कहा मैं जाता नहीं, आप तो साधना होगी, आप तो रक्षा चक्र तोड़ो, तुम्हें तो बाहर जाना है, तुम तो बाहर जाएंगे ना, यहीं बैठे रहो इंडिया। अरे ये भी तो सही बाहर जाना है, लेकिन मैं बोला आप अगर क्षमा करें आप मेरे रक्षा चक्र के पीछे क्यों पड़े, आपका काम, आप गुरु भाई हैं, आपको 1 बार नहीं 2 बार नमस्कार करता हूँ, आप चले तो जाओ। बोले अरे भाई तुम इतना क्यों डरता है, मैं यहाँ तेरे सामने खड़ा हूँ, तू भी गुरु भाई है, मैं भी गुरु को प्रणाम करना चाहता हूँ, रक्षा चक्र तोड़े तो मैं गुरु जी को प्रणाम करूँ। मुझे लगा कि वो गुरु जी को प्रणाम करने के लिए रक्षा चक्र तोड़ने की बात कहता है, मैंने रक्षा चक्र तोड़ा, वो आया प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया और बोला कैसा लग रहा है। मैंने कैसा लग रहा है क्या मतलब, बोल तो उन्होंने कहा तुम 5 दिन से साधना में बैठे हो कैसा लग रहा है। मैं बोला आवाज़ तक नहीं आ रही है, तुम्हारे से बात करने के लिए भी मैं थर थर कांप रहा हूँ, अब उठ के ऊपर तक कैसा जाऊँगा, इसका भी मुझे ज्ञान नहीं कि मैं कैसा जाऊँ क्या करूँ, मैं इस चिंता में बैठा हूँ कि मैं ऊपर कैसा जाऊँ। उसने क्या इतने महान गुरु के शिष्य होते हो, गुरु की आज्ञा का पालन करते हो, साधना संपन्न की और डरते हो, डरपोक हो, असमर्थ हो। उसने जैसा किया मेरे में जोश लगा लिया कि हाँ मैं इतने बड़े गुरु का शिष्य हूँ, गुरु जी ने कहा है मैं समर्थ हूँ, नहीं नहीं भाई मैं जाऊँगा आप जाओ। धैर्य से तो जोर से बात कह दी, लेकिन बात कहने में अलग है करना अलग है, चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उसने कहा जिस महान गुरु के शिष्य और साधना संपन्न किए, मैं भी वहीं से आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। मैंने कहा हाँ लो मेरे पास एक जड़ी है, इसको तुम चबा लो, मुख में रख लो, तुम देखो तुम्हारी में शक्ति आएगी। मैं बोला ये साधु मेरे पीछे क्यों पड़ा यार, तेरा तो काम कर लेना, अगर कुछ अगर जड़ी बूटी रख लिया और मेरे को कुछ हो गया तो यहाँ कौन देखेगा, ये साधु सब कमाल वाली चीज होते हैं, या जंगलों में रहते हैं, ये लोग कुछ भी करने आए। लेकिन उन्होंने वो जड़ी दी
और उन्होंने कहा कि तुम ये जड़ी तुम्हारे हाथ में रख लो या तुम्हारे जीभ पे रख लो और गुरु जी का शरण करो। अगर मैं गलत हूं तो तुम फेंक देना इसको, अगर ठीक है तो तुम हाथ में पकड़े रहना। मैंने उस जड़ी को अपने हाथ में पकड़ा और आंख मूंछकर गुरु मंत्र जब पहले किया, गुरु जी ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र को 11 बार बोला, जो होना है देखा जाएगा। अब तो मैं बोल मंत्र बोलते हुए बैठा और गुरु मंत्र जब करने लगा तो मैं, मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई तंद्रा में चला गया, मैं कोई समाधि स्थिति में चला गया। और 5 मिनट के बाद जब तक वो हिलाया नहीं तब तक मुझे जागृति नहीं आई। मैं जो हिलाया तो देखा तो उन्होंने कहा आंखें खोलो। मैं आंखें खोला, ये मेरे जीवन का पहला दृष्टांत है कि आज भी वैसे लोग हैं। मैंने देखा कि मैं कहीं उसके आश्रम में बैठा हुआ हूँ जो कि मेरे स्थान से 20 किलोमीटर दूर है, जहाँ गायें बंधी हुई है और जो उसका आश्रम है उसके आश्रम में बंधा हूँ। केवल एक जड़ी उसने दी थी और उसकी जड़ी देने के बाद उसने कहा यहाँ गाय का दूध है तुम पी लो। गाय का दूध मैंने पिया और ऐसी शक्ति महसूस किया। तब उसने मैंने उनसे पूछा कि आप है कौन। उन्होंने कहा कि मुझे भी गुरु आज्ञा हुई, मैं यहाँ तपस्या करते हुए 30 साल से रह रहा हूँ, मैं गुरु आज्ञा हुई कि तुम यहाँ साधना के लिए आया, गुरु ने मुझे भेजा है तुम्हारे लिए। मुझे इतना आनंद हुआ, मेरे आंखों से आंसू आए कि आज गुरु जी अपने शिष्यों के लिए कितनी रक्षा करते हैं। हम निष्ठावान हो, हमारे प्रति हमारे को गुरु के प्रति समर्पण हो। और उन्होंने कहा जब उन्होंने जड़ी दी, मैं गाय का दूध पिया, बहुत स्फूर्ति शक्ति आई, लेकिन सोच यह पड़ गई कि अब हैदराबाद कैसे जाऊँ, 2 रुपये ही है जेब में, वो चिंता आरंभ हो गई। तो उसने कहा आओ हम बस स्टैंड पर जाएंगे। मैं बोला बस स्टैंड तक गए। बस स्टैंड तक जाने के बाद उस साधु ने मेरे को बस में कहा तुम इस बस में चढ़े, हैदराबाद जाती है बस, हाँ जाती है। अरे चढ़ो, बोले यार पैसे नहीं है। बोला साधु के पास भी नंगा दिख रहा है, उसके पास भी पैसे नहीं है, वो मेरे को बस चढ़ने के लिए बात कर रहा है, जाऊँ तो कैसे जाऊँ। उसने कहा तुम जाओ और बस पे सीट पे बैठो। अब वो मेरे ऐसा ऑर्डर दे रहा था जो कोई जैसा क्या एक बड़ा आदमी दे रहा है ऐसा ऑर्डर दे रहा था। मैं गया बस में, गया और बैठा, दिल में डर लग रहा था। उसने एक आदमी को वहां से देखा, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा हे भाई। उसने कहा हेलो क्या बात है। ये जो पीछे लड़का बैठा है ना उसका हैदराबाद का टिकट निकाल देना और वो अगर पीछे बीच में कुछ खाने पड़े तो उसको दे देना, पहले टिकट निकालो उसका। वो कौन आदमी है क्या है कुछ भी पता नहीं, साधु ने आंखों में देखकर कह दिया। उसने मेरा टिकट निकाल दिया, मेरे हाथ में टिकट दे दिया और मैं टिकट लेकर सीधा हैदराबाद पहुंच गया। जब ये घटना मेरे जीवन में घटी तो मैं सीधा यहाँ वहाँ से हैदराबाद दिल्ली या जोधपुर चला गया और गुरु चरणों में इतनी देर होता रहा कि प्रभु आप अपने शिष्य के प्रति कितने सतर्क रहते हैं, अपने शिष्यों को किस तरह देखते हैं। फिर भी मेरा वही प्रश्न रहा, गुरु जी आपने जैसा कहा मैंने तारा साधना की, तारा साधना अच्छी की, साधु मेरा सब मिला, लेकिन तारा प्रत्यक्ष नहीं हुई। ये बात आखिरकार वहीं आकर रुक गई कि तारा प्रत्यक्ष नहीं हुई। बैठा रहा, उस समय जहाँ मैं गुरु जी के साथ बैठा था, गुरु जी कमरे में आकर बैठे थे, मेरे बाजू में कोई बिहारी का सन्यासी था, बिहार का था, वो बैठा था और बार बार वो मुझे मेरे मुंह की तरफ देखता और हंसता मेरे को देखकर। मैं बोला ये साधु मेरे पीछे क्यों पड़े होते हैं यार, ये वो देख रहा है। तो मुझे लगा एक बार देखा दो बार देखा, मैं थोड़ा दूर हटा तो वो मेरे को और मेरे पास हटा। मैं बोला भाई साहब आपको मेरे से क्या दिक्कत है, आपका काम करो, मेरे को देख के हंस रहे क्यों। उसने कहा खैर रुक जाओ मैं एक बात बोलता हूँ। मैं बोला क्या, तो यहाँ गुरु जी के पास किस लिए आया है मैं बताऊँ। मैं बताओ तारा प्रत्यक्ष नहीं हुई ये पूछने के लिए आया है ना। मैं अचंभा रह गया, ये कि ये तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी दिखता है। मैं बोला हाँ तारा प्रत्यक्ष नहीं हुई यही पूछने के लिए आया है। क्या तुम गृहस्थ लोग मूर्ख होते हो, बोला एक ही बात में। मैं बोला क्यों मूर्ख होते हैं। अरे गुरु जी ने तो कहा ये साधना करो तारा सिद्ध होगी, तो क्या तुम्हारे गुरु में दशमा विद्याएं नहीं दिखते। गुरु में कैसा, गुरु को ब्रह्मा कहते हो, गुरु को विष्णु कहते हो, सर्वस्व गुरु है कहते हो, तो क्या आप जबानी बोलते हो, आपको विश्वास नहीं कि गुरु में ये सब है। तुम्हें वो माता जो पिता क्रम तुम्हें बंधु सखा क्रम कहते हो, एक तरफ कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मय श्री गुरु, आप परब्रह्म है आप सब कुछ है ऐसा कहते हो, क्या गुरु में विश्वास नहीं। मैं क्या विश्वास है, लेकिन गुरु जी ने तो तारा साधना करने के लिए कहते भाई तुम क्या बात करते हो। मैंने कहा यहाँ तो तुम गलत सुनते हो गलत देखते हो, जिस गुरु में तुम सब कुछ नहीं देख सकते वो तुम मुझ में क्या देख सको। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप जब गुरु जी आएंगे आप गुरु के चरणों में आपका सर रख देना और तारा मंत्र को बोलना और नमस्कार करना। गुरु जी आए बाहर, आने के बाद मुझे क्योंकि उस सन्यासी की बात में कुछ सच्चाई लगी, मैं गुरु के चरणों में सर रखा और तारा मंत्र मैंने बोला। क्या देखता हूँ आपको सत्य बताता हूँ, आज वो भी दिल्ली का आश्रम ही था, आज का गुरुधाम जो है दिल्ली में वही था। मैं जैसा ही सर रखा और तारा मंत्र बोला और ऊपर देखता हूँ क्या हूँ, तारा साक्षात खड़ी है गुरु जी वहाँ ने।
तो जब तक हम देवताओं में और गुरु में भेद देखते हैं तब तक हमें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। हम जब तक देवता और गुरु में भेद नहीं देखते, मेरे गुरु में ही दशमांक विद्याएं हैं, जब ये आपकी धारणा होगी आपको तारा क्या सारी दशमांक विद्याएं सिद्ध हो जाएगी। और इसके लिए हमें भय को छोड़ना होगा, और भय यूं ही नहीं छूटता। बैठे 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 रहते हैं तो साधना में, जैसे आपको भी मेरे को भी होता, कभी साधना में बैठे रहता हूँ तो ऐसा रहता है कि मेरे बच्चे को कुछ तो नहीं हुआ, मेरे पत्नी को नहीं हुआ, मेरे माता पिता को कुछ तो नहीं हुआ, या मैं आते आते किसी को एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, मुझे बुखार नहीं आएगा, कोई फोन तो आएगा बुखार, ये सारी चीज़ें हमारे अपने मस्तिष्क में घूमते रहती है। इसलिए कि हमें डर लगा रहता है कि मैं साधना कर रहा हूँ कुछ तो कुछ नहीं होगा क्या, ऐसा इस डर को, इस भय को हम किस तरह पार रहते हैं। और साधारणतः हम साधना किस लिए करते हैं, या तो धन के आगमन के लिए, या तो कर्जा चुकाने के लिए, या शत्रु की बाधा जाने के लिए। और पर्टिकुलरली जब साधना करने बैठते हैं और अपने शत्रु को पता चल गया कि साधना में बैठा हुआ, तो उसी समय आएगा साधना करते समय और दरवाजा खटखटाएगा, बोला वो अंदर बैठा हुआ है उसको बाहर बुलाओ। अब क्या खाक साधना होगी अगर शत्रु आके बाहर बैठा है और अपना कर्जेदार कर्जा खटखट रहा है तो हम साधना कर सकेंगे क्या बताओ? तो उस समय क्या करना चाहिए, इस भय से निवृत्त कैसे होना चाहिए? तब जो परम पूज्य सद्गुरु जैन जी ने जिस साधना को कहा था, जिस साधना को करने को कहा था, जिस साधना को करने से हम इस भय से दूर होते हैं, इस मुक्ति से, इस कष्टों से दूर होते हैं। हमारे घर में हमारे बच्चों के लिए जो हमारे को भय है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, इस प्रकार का भय हम लेकर जब चलते हैं तो सारी दशमांक विद्याओं को, हर एक महाविद्या को एक एक भैरव रखा हुआ है। तारा को ऐसे अक्षोभ्य नाम के भैरव है, अक्षोभ्य नाम के गुरु है, ऋषि है। इस प्रकार काली को महाकाल भैरव है, हर महाविद्या को एक एक भैरव है। जब तक हम उस भैरव को सिद्ध नहीं करते तब तक हम तारा को सिद्ध नहीं कर सकते, हम उस महाविद्या को सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे एक राजा को या एक ऑफिसर को मिलने के लिए पहले गेट पे खड़े हुए आदमी को पूछना बोलना पड़ता है कि मैं आया हूँ, जरा बोल दो कि अंदर मैं, मुझे जाना है, मैं फलाना आदमी हूँ। उस तरह दस महाविद्या के गेट पर खड़ा हुआ आदमी भैरव, वह तुम्हारी योग्यता देखता है कि मैं इसको उस महाविद्या के पास भेजूँ या नहीं भेजूँ, उसके कृपा का पात्र बन सकता है नहीं बन सकता है। और उसको जब भैरव को प्रसन्न कर लोगे तो वो जाके कहेगा कि तुम्हारा भक्त आया है, और वो भी तुम्हें भक्ति के साथ आगे बुलाएगा, आगे आने के लिए कहेगा। यह कार्य होने के लिए हम भैरव को, तो हम दस महाविद्याओं के, दस महाविद्याओं के भैरवों को भी सिद्ध करना हमारे लिए बस की बात नहीं, क्योंकि हर एक भैरव के किसी का 5 लाख मंत्र है, किसी का 11 लाख मंत्र है, किसी का 6 लाख, हमारा जीवन चले जाएगा भैरव को सिद्ध करके, महाविद्या तो दूर रहे। ऐसे समय में कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम सिद्ध करके दस महाविद्याओं को सिद्ध कर सकते हैं? भैरवों के नाम अष्ट भैरव में रुरु भैरव, चंड भैरव, अष्टांग भैरव, ऐसे भैरव 8 भैरव के नाम लिए जाते हैं। लेकिन एक भैरव प्रचंड चंडिका जिसे छिन्नमस्ता कहा गया है, और छिन्नमस्ता के पास के भैरव का नाम है प्रचंड भैरव। और जो इस भैरव करता है वो दशमांक विद्याओं की सिद्धि के लिए किसी प्रकार का भय नहीं रहते हुए सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। आप चाहे जंगल में बैठे रहो, चाहे घर में बैठे रहो, चाहे स्मशान में बैठे रहो, कोई साधना के लिए नदी में खड़े रहो, अगर आप प्रचंड भैरव का मंत्र 11 बार बोल लेकर खड़े रहते हो तो सारे भय से मुक्त होकर साधना संपूर्ण कर सकोगे, और माता का दरवाजा तुम्हें खुला खोल कर वो तुम्हें अंदर ले जाएगा और कहेगा कि माता तुम्हारा भक्त आया है, और तुम्हें साधना में सिद्धि के लिए माता का आशीर्वाद मिल सकेगा। इसे प्रचंड भैरव साधना कहा गया है। यह साधना, यह मंत्र मैंने अनुभव किया है, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मंत्र में, इस मंत्र की श्रेष्ठता है। यह मंत्र यही नहीं रुकता, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने भी एक बार कहा था, उनका मधुश्रवा नाम का गुरु जी का एक शिष्य था जो गुरु जी के साथ 3 साल रहा, 3 साल रहा, और उसको गुरु जी ने कम से कम पलट कर देखा भी नहीं, उसका नाम भी नहीं लिया, लेकिन वो गुरु जी के साथ वैसा ही चलता रहा। सभी लोग बोलते थे मधुश्रवा तुझे गुरु जी नहीं चाहते शायद, तो क्यों पीछे आ रहा है, तू चला जा। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तो गुरु जी के साथ आऊंगा, मैं गुरु जी के साथ रहूंगा। 3 साल के बाद सभी शिष्य कान में फुसफुसाने लगे, और कभी एक दिन गुरु जी को सभी ने कह दिया, गुरु जी आपको नहीं चाहे ना चाहते हुए भी वो तो तुम्हारे साथ घूम रहा है, या तो उसको हटा दो, उसको निकाल दो, या तो फिर कुछ तो भी कहो ना, गुरु जी तुम्हारे साथ घूम रहा है उसको कहो। अब गुरु जी को अपना सदा का तो भान अलग ही था, लेकिन शिष्यों का ज्यादा कहना ज्यादा हो गया था कि उसको हटा दो या कोई भगा दो। जब ये सब बात सुनी तो गुरु का ही कर्तव्य था, गुरु जी ने उस मधुश्रवा को बुलाया और कहा मधुश्रवा मैं तुझसे 3 साल से बात नहीं कर रहा हूँ, इससे अर्थ नहीं होता कि मुझे तू नहीं चाहिए, तो मुझे मेरी बात समझता है, गुरु की, गुरु के तत्व को समझता है,
मैं तुझे एक बात कहता हूं, तू यहां खड़ा है, तुझे मैं नदी के साथ वापस नहीं दूंगा। मेरे शिष्य भी देख रहे हैं, मैं यहां कहता हूं कि तू यहां मेरा तेरा मुंह यहां से काला करके यहां से निकल जा, मैं तुझे चाहता नहीं। अगर तुझे मेरा शिष्य ही बनना है तो तू ये पहाड़ है, पहाड़ पे से कूद जा, बचा तो मेरे पास आ जाना, मरा तो चले जाना। अब वह शिष्य मधुसवा कितनी देर तक दिखता रहा, एक मिनट के लिए भी उसने गुरुजी के कहने के बाद विचार नहीं किया और पहाड़ पे से नीचे कूद गया। सभी लोग शिष्य हाहाकार करके देखने लगे कि हमने ये क्या किया, उसके ऊपर बता बता कर गुरुजी को उसके साथ दुश्मनी करवा दी, आज हमारे कहने पर गुरुजी ने उसको कूदने के लिए कह दिया, वो कूद गया। जैसे ही कूद गया सभी लोगों ने कहा गुरुजी हमारी गलती हो गई, वो मर गया होगा, क्या करें, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर ठहर जाओ। गुरुजी वैसे शांत से बैठे रहे, थोड़ी देर में देखते हैं कि नीचे जंगल के कबीले थे, उन्होंने उसको उठा के लाया, जहाँ खरोंच आई थी थोड़ा मार लग गया था, वो ऊपर आया और गुरुजी के चरणों में नमस्कार किया। गुरुजी ने पूर्ण प्रेम के साथ उसके ऊपर से हाथ घुमाया और कहा, मधुश्रवा तू आज से मेरा शिष्य है, तूने आज्ञा मेरी पाई, तूने आज्ञा ली। तब उसने मधुश्रवा ने मधुश्रवा के लिए उन सारे शिष्य ने कहा, गुरुजी हम इतने साल से आपके पास है, लेकिन आपने मधुश्रवा पर इतनी कृपा कर दी। तो उन्होंने कहा कि मधुश्रवा मेरे साथ रहा, उसने कभी यह बात कहने, जबकि तुमने कही है मेरे को कि मधुश्रवा मैं गुरु को छोड़ूं या गुरु जी के रहूं, इसको निकाल दो, ऐसा तुमने कहा, लेकिन वो कभी छोड़ के जाने की बात नहीं कहा। उसके मेरे साथ जो निष्ठा थी वो निष्ठा प्रशंसनीय है, वो मेरे गुरु के साथ बैठा रहा, गुरु को ये कहते गुरु का प्रेम पाने के लिए उसने जो जीवन दिया है, उसने जो जीवन किया है वो श्रेष्ठ है। और जब वो पहली बार मिला था तब मैंने तुम सबको भी दिया था और उसको भी दिया था प्रचंड भैरव की साधना करने के लिए, लेकिन तुम सबने किसने पूर्ण नहीं की, वो बार में बैठता था और वो साधना संपन्न करता था। आज वो बिना निर्णय और बिना भय के निर्भय होकर वो पहाड़ से कूद गया गुरुजी के नाम पर, जो तुम लोगों में कोई ये काम नहीं कर सकता था, निर्भय हुआ और उसने आज गुरुजी को प्राप्त किया। वैसे ही वो दुश्मन योद्धाओं को भी प्राप्त करेगा। इस निर्भयता को प्राप्त करने के लिए, इस शत्रुता को मिटाने के लिए, इस शत्रु भय को मिटाने के लिए, रोग भय को मिटाने के लिए हमें प्रचंड भैरव साधना कैसी है, हमारे घर में केवल यंत्र मात्र रखने पर और उसको 11 बार मंत्र बोलकर उसके ऊपर सिंदूर लगाकर जिस किसी को भी लगाओगे उसको शत्रु भय चला जाएगा, उसके ऊपर पानी डालकर पिलाओगे तो घर में कितनी भी कैसी भी बीमारियां हो, बीमारियां कम हो जाएंगी उन मंत्रों को बोलने के बाद, उसका विधान। और आज जो छठ है, षष्ठी है, स्कंद षष्ठी कहा जाता है इसको, स्कंद यानी शिव जी के पुत्र, दूसरे पुत्र जो कार्तिक कहते हैं, कार्तिक मास में जिनको कार्तिकेय कहा गया है, आज उनका जन्मदिन भी है और वे कार्तिकेय के अवतार हैं, उनके भैरव भी ये प्रचंड भैरव कहलाए जाते हैं। आज वो दिन को ही देखकर मैंने, जब मेरे पास सतीश आया था कि गुरुजी बेरला में शिविर दो, तो मैंने सोचा कि कौन सा शिविर दूँ, आज तक कौन सा शिविर नहीं हुआ, किस शिविर को दूँ जिससे इनका उद्धार हो सके, क्योंकि मैंने बहुत सारे सतीश के साथ बहुत सारे साधकों को आज से 3 साल पहले से देखकर देख रहा हूँ, उन्होंने कम से कम 4-4, 5-5 बार तारा साधनाएं संपन्न की है। अब निर्मल भी है यहाँ, वो उसने भी तारा साधनाएं कम से कम 6-7 बार की। मैं चाहता हूँ कि उनको वो सिद्धि मिले और उस सिद्धि के लिए मुझे क्या करना है, जो दशमान विद्या साधना करने के लिए यहाँ बहुत लालायित है, कोई काली साधना करता है, हमारा राजा है उसके घर में काली स्थापना कर दिए, मैंने देखा है उसके घर में काली स्थापना है, अगर सिद्ध नहीं हुई तो नाराज हो जाएगा। फिर इस सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, आपके जीवन में अगर प्रचंड भैरव साधना करते हैं, कोई भी दशमान विद्या साधना करोगे तो आपके जीवन में कभी आपको पलट कर देखने के सवाल पैदा नहीं होगा और आपको निश्चित रूप से उस महाविद्या का द्वार खुला होगा और महाविद्या तक आप पहुंच सकेंगे। ऐसी प्रचंड भैरव साधना आज मैं आपको पहली बार स्कंद षष्ठी के दिन दे रहा हूँ। आज षष्ठी है और स्कंद षष्ठी के दिन, जैसे अष्टभैरव के दिन मंगलवार हो, रविवार हो, शनिवार हो, इनको भैरवों का वार कहा गया है, महाकाल भैरव का, मार्तंड भैरव को आज के दिन बहुत श्रेष्ठता दी जाती है। मार्तंड भैरव भी भैरवों में से एक नाम, जैसे अष्ट भैरव है उसे मार्तंड भैरव भी है। आज रविवार के दिन उनकी श्रेष्ठता के लिए जो सूर्य के भैरव कहलाए जाते हैं, उसी प्रकार प्रचंड भैरव जो सभी भैरवों के साथ रहने वाले शहर सभी भैरवों की शक्ति अपने में लेकर 64 योगियों की शक्ति लेकर बैठते हैं, ऐसा काम नहीं जिसने प्रचंड भैरव की साधना की वो तो भय और शत्रुओं से तो मुक्त हो ही जाएगा, साथ साथ जो भी दश महाविद्या करेगा उसको सिद्धि मिलेगी। अगर वो कोई कार्य कर रहा है उसको कार्य में सिद्धि नहीं मिल रही है, तो अगर वो 11 बार मंत्र बोलकर उस कार्य के लिए जाएगा तो आगे वाला कितना भी कठोर क्यों ना हो, तुम्हारे साथ कैसा भी बात कर बर्ताव करने वाला क्यों ना हो, वो तुम्हारे ऊपर प्रेम के साथ बात करेगा, तुम्हारा कार्य जरूर करेगा।
ऐसी कार्य सिद्धि वाला यह प्रचंड भैरव साधना जीवन में बहुत आज तक कभी मैंने नहीं दी। पहली बार ये साधना बेरला के साधकों को दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि आपने यहाँ बहुत सारे लोगों ने दशमांग किया है, साधनाएं संपन्न की है, और साधनाएं संपन्न होते होते जो रुकी है उन सभी को साधना का फल मिले, वो साधना को लोग देख सके और छाती ठोक कर कह सके कि हमने भी दशमांग किया, साधनाएं संपन्न की है और हमें वो साधना सिद्ध हुई है। आप वो एक ही साधना नहीं, आपको मैंने जैसा बताया साधना करते समय हमारे में एक भय नाम की चीज उत्पन्न होती है, या साधना करने के बाद, या साधना करते समय, या साधना से पहले कि ये साधना संपन्न होगी या नहीं होगी, इतना मतलब जब है साधना करते समय ये अड़चने आई है, ये संकट आया है, इस प्रकार हो रहा है, ये सारी चीजें जो हमारे जीवन में है इन भयों से हम मुक्त हो जाते हैं, शत्रु भय से हम मुक्त हो जाते हैं, कर्जे से हम मुक्त हो जाते हैं। प्रश्न भरी साधना की विशेष प्रचंड चंडिका अगर आपने छिन्नमस्ता महाविद्या का एक दूसरा रूप जिसे कहा गया प्रचंड चंडिका उस साधना में देखें तो कर्ज मुक्ति के लिए और धन प्राप्त करने के लिए ये साधना श्रेष्ठ कह लिया और उसका भैरव प्रचंड भैरव कहा गया है। मैं रोग मुक्ति के लिए इस यंत्र को अगर आपके पास रख लेते हैं और मंत्र को 11 बार बोलकर उसके ऊपर पानी डालकर पिलाते हैं तो आपके लिए ही लोक कल्याण करने के लिए भी उसके ऊपर पानी डालकर पिला दो और आप सभी लोग यह चमत्कार देखो कि उनके रोग में कमी आई है या नहीं आई। कोई शत्रु भय से पीड़ित है, बहुत शत्रु उसको कष्ट पहुंचा रहा है तो उस यंत्र पर सिंदूर डालो और 11 बार मंत्र बोलकर उस सिंदूर का तिलक कर लो और आप सामने जाओ तो आप वो शत्रु इतना शांत हो जाएगा कि आपके ऊपर कुछ नहीं बोलेगा, आपके ऊपर शत्रु का भाव नहीं रखेगा। ये इस प्रचंड भैरव यंत्र की श्रेष्ठता है। इसके सामने ये साधना जो अपने जीवन में श्रेष्ठता के साथ संपन्न करता है उसके जीवन में शत्रु का भय नहीं होगा, न रोग भय होगा, न किसी प्रकार का दूसरा और भी भय होगा और वो हर प्रकार के कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने वाला, साधनाओं में सिद्धि प्राप्त करने वाला कहलाया जाएगा। मैंने ये साधना एक बार श्रीशैलम में और एक बार विंध्याचल पर्वत पर भी ये साधनाएं संपन्न की और मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। कहते हैं कि इसका सवालाप मंत्र जब जो करते हैं उसको निश्चित रूप से भैरव के दर्शन होते ही है और ये मेरा अनुभव है, आपको कह रहा हूँ जरूर निश्चित रूप से भैरव का दर्शन हो सकता है। आपके जीवन में कोई भय नहीं होगा, किसी प्रकार का धन का अभाव नहीं होगा जो ये साधना संपन्न करते हैं। आपको इस साधना करने से पहले या साधना करने के बाद दो बातें बता देता हूं। इस साधना करने से पहले आपको गुरु मंत्र की तिल की आहुति 11 देनी है, उसके बाद ही यंत्र को लेना है। उसके बाद आपको रोग भय है, आपके घर में कोई बीमारियों से ग्रस्त है तो उसके लिए मैं आहुति डलवाने लगाता हूँ। आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो उसके लिए आहुति डलवाने लगाता हूँ और उसके बाद आपको इस साधना को मेरे सामने बैठकर केवल एक माला मंत्र जप करना है। उसके बाद आपको शक्तिपात दीक्षा इसलिए दूंगा कि आप इसका 100,000 मंत्र जप करें और भैरव के प्रत्यक्ष दर्शन करें। मैं जब फिर दूसरी बार आऊं तो कहना कि गुरु जी हम भी सक्षम हुए हैं, हम पहाड़ों में जंगलों में भी देखकर 100 लोगों को खाना खिला सकते हैं, इतनी सक्षम शक्ति हमारे में है। मैं चाहता हूं कि मेरे गुरु का नाम संसार भर में हो, मेरे गुरु का नाम कोई उंगली उठा कर नहीं कहे कि हम डॉक्टर नारायण सिमालिया के शिष्य हैं और हम असमर्थ हैं, ऐसा कोई ना कहे। हमारे गुरु जी के ऊपर कोई उंगली उठा के बताता है तो हमारी असमर्थता है, हमारी कमजोरी है। हमने गुरु जी को बदनाम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमें जो साधक हैं, गुरु जी ने जिस साधना का माध्यम बताया था, जिस साधना के माध्यम से वे दशमाविद्याएं करवा रहे थे और जिस साधना के माध्यम से उन्होंने कहा कि 3 महाविद्याएं जिसे सिद्ध होती है उसको सिद्धाश्रम प्रवेश है, ये बात अलग है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, भाई गुरु की कृपा हो गई तो बस है। मैं कहता हूँ गुरु की कृपा हो गई तो बस है, खाली चावल है। अगर गुरु की कृपा हो गई बस है तो गुरु जी इतनी पत्रिकाएं लेकर इतनी साधनाएं क्यों दे रहे हैं? बंद कर दो, कह दो कि एक गुरु साधना कर लो आपका उद्धार हो जाएगा। एक तरफ तो पत्रिकाएं लिखते हो, पत्रिकाओं में साधना देते हो, दूसरी बार कहते हो कि गुरु की कृपा हुई तो बस है। क्यों? आपको साधनाएं उसी तरह करनी है, समस्याओं के अनुसार साधना करनी है, समस्याओं के अनुसार आपको जीना है तो साधनाएं संपन्न करनी है। गुरु कृपा इसलिए होती है कि आप साधना करो और आप साधना में सफलता प्राप्त करो। पैसा कमाना है तो गुरु कृपा होगी तो नौकरी मिलेगी या कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या व्यापार मिलेगा, उसमें पैसा आएगा। ये नहीं कि तुम बिना कर्म करके गुरु कृपा ही है बोलकर बैठे रहो तो तुम्हारे पास पैसा आएगा, ऐसा ही कर्म करना ही है, उसी तरह साधना करना ही है। और हर समस्या के लिए आपके लिए साधना है। आप विद्या चाहिए तो सरस्वती साधना, सरस्वती संबंधित साधना करनी है। संकट जाने हैं तो गणेश जी भैरव की साधना करनी है। काल ज्ञान होना है तो महाकाली की साधना करनी है।
तारा खगोल शास्त्र की साधना हो रही है तो साधना करने आप कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं भुवनेश्वरी के भवन के लिए, तो भुवनेश्वरी साधना करो। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है रोड की साधना करें, दसवां विद्या सिविल इंजीनियरिंग के लिए भुवनेश्वरी साधना श्रेष्ठ है। छोटी सी त्रिपुर सुंदरी साधना है आपको सुंदर बनाने के लिए, आपके शरीर में निरोग काया देने के लिए छोटी सी त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भरे हुए आपके भय को निर्णय भय को निकाल देने के लिए है। मातंगी विद्या है, माता जैसे अपने अंगों को रक्षा करके अपने बच्चों को पालती है वैसी मातंगी विद्या से आपका शरीर की रक्षा होगी। कमरा साधना से कमल में जिस तरह कीचड़ में रहकर भी आप संसार में रहकर भी खुश रहने की क्रिया करते हो, लक्ष्मी तरह की साधना करते हो, उसे कमरा साधना कहा गया है। धुआं की साधना वो गैसेस है, पेट्रोल है, जैसे जिससे धुआं निकलता है उसे धुआं कहा गया। आज गैस के ऊपर क्या चल रहे हैं, गैस के ऊपर चूल्हा चल रहा है, गैस के ऊपर गाड़ियां चल रही है, ये गैसेस के लिए संबंधित धुआं के लिए संबंधित है उसे धुआं की साधना कहा गया। गैसेस तुम्हारे पेट में भी है, गैसेस बाहर भी है, गैसेस अंदर भी है, इन सारे रोगों का निदान प्राप्त करने के लिए और गैसेस से पैसा प्राप्त करने के लिए जो धुआं की साधना संपन्न करेगा। इस प्रकार दश महाविद्याओं को महाविद्या कहा गया है। मूर्तियां नहीं है, काली मूर्ति नहीं है, तारा मूर्ति नहीं है, तारा खगोल शास्त्र के विद्या को बता दिए। काली काल ज्ञान को देती है, धूमावती गैस के ज्ञान को देती है, भुवनेश्वरी भुवन के ज्ञान को देती है, षोडशी त्रिपुर सुंदरी अपने सुंदर शरीर को बनाने के लिए, बगलामुखी स्तंभन विद्या को देती है, हमारे ऊपर आने वाले संकटों को रोकने की क्रिया को बताती है। इस प्रकार छिन्नमस्ता हमारे संसार में हमारे जीवन में जो अहंकार है, जो गर्व है, किस प्रकार का उस गर्व का निराकरण करने के लिए छिन्नमस्ता साधना कहा गया है। और जिसको अहंकार नहीं रहा वही संसार में सुखी रहा और देवताओं को प्राप्त करता रहा। चाहे रावण जैसा आदमी भी हो, अहंकार के कारण मरा, अहंकार के कारण राक्षस कहलाया गया। हमारे में सब कुछ प्राप्त हो लेकिन अगर मैं अहंकार हो गर्व हो तो हम उसका उसे जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आप सभी को आज के दिन उस प्रचंड भैरव साधना, प्रचंड भैरव साधना को करने से पहले मैं यहाँ के आयोजकों को कहता हूँ, हृदय महाराज अग्नि स्थापन करेंगे, पहले सभी लोग वहाँ जो तिल की आहुति रखी है, जो ये साधना करना चाहते हैं वो लोग 11 बार तिल की आहुति गुरु मंत्र की डालकर साधना का पैकेट लेकर यहाँ आ जाओ। मैं साधना यहीं बैठकर संपन्न करवाऊंगा, आपको घर को नहीं भेजूंगा, मंत्र साधना नहीं भेजूंगा, यंत्र लेके जाओ घर में करो, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं हर साधना शिविर में ही करवाता हूँ, यहीं दीक्षा देता हूँ और आपको यहीं से साधना की सिद्धि लेकर घर पहुँचा देता हूँ। आपको समय दे रहा हूँ, आप यहाँ पहली बार अग्नि स्थापन होगा, वहाँ 11 बार गुरु मंत्र बोलकर आहुति डालो और आप यंत्र और माला लेकर यहाँ जाओ, साधना यहीं संपन्न करवाऊंगा, आपकी पहली इच्छा जो भी है वो पूर्ण करवाऊंगा। आज के दिन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के कृपा से प्रचंड भैरव की साधना कर संपन्न करवा रहा हूँ। सभी साधक अग्नि स्थापना के पास होमकुंड के पास जाएं और पहली 11 बार गुरु मंत्र की आहुति डालें और साधना का पैकेट लेकर यहाँ आ जाए, मैं साधना संपन्न करवाऊंगा आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। आपके जीवन में अगर शिविर करना है, पैसों की कमी है, आप शिविर करना चाहते हैं तो आपके पास पैसे नहीं है, या आप कोई कार्य करना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, आपकी इसमें अड़चने आ रही है, तो एक साधना करके यंत्र की स्थापना करके देखो आपके जीवन की सारी अड़चने खत्म हो जाएगी। आपको बच्चों की पढ़ाई में अड़चन आ रही है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, या आपके घर में कोई अड़चन है, किसी प्रकार की बाधा है, तो उस बाधाओं का निराकरण के लिए ये साधना श्रेष्ठ कहलाई गई है। मैं साधना मेरे पास यहीं मेरे सामने करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैं जब अगली बार आऊं तो आप कहना कि गुरु जी हमने ये साधना संपन्न की है और हमारे जीवन की अड़चने चली गई और हम आज सर्वी और सुखी जीवन जी रहे हैं। ये आपको आशीर्वाद देता हूँ, गुरु जी से मांगता हूँ कि आपको ये आशीर्वाद मिले और आप साधना संपन्न करें। अग्नि स्थापना होगी, पहले आप 11 बार गुरु मंत्र जब बोलते हुए मंत्र जब डाल के आओ उनके ऊपर गुरु कृपा होगी, उसके बाद मैं सभी को दीक्षा दूंगा और उसका आगे का कार्यक्रम समझाऊंगा। जो लोग साधना और मेरे पास आज कुछ भी लेना चाहते हैं, मंत्र हो या उनका शंका समाधान हो या कुछ ही, वो लोग 11 बार मंत्र बोलकर गुरु मंत्र का आहुति देकर मेरे पास आ जाओ। केवल गुरु मंत्र की आहुति डालते समय आपके कंधे पर गुरु चादर हो, इसका आप निर्णय ले लें और गुरु चादर डालकर आप आहुति करें। उदय महाराज वहाँ जा रहे हैं, अग्नि स्थापन होगा, 11 बार गुरु मंत्र बोलते हुए आहुति डालकर मेरे पास आ जाइए। तब तक भजन सुनाएं, एक भजन सुनाओ। ओम सुखाई गंधर्शकृणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन द्वादशेता नामानी विद्यारंभ विवाह च प्रवेश निर्गमित तथा संग्राम विघ्नस्तस्त न जायते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महागणाधिपतये नमः निर्विघ्नं कुरु। जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक गुरुदीक्षा नहीं ली है, वैसे तो सभी लोग भी गुरुदीक्षा एक बार गुरु मंत्र मुझसे लो, जिन्होंने पहले भी लिया है और अभी पहले गुरु मंत्र की दीक्षा देता हूँ। जो लोग नए हैं नहीं लिए हैं वो लोग, और जो लोग लिए हैं वो लोग भी पहले गुरु मंत्र की दीक्षा ले लो। अपने पहले लिए भी है तो फिर भी ले सकते हैं, हाथ जोड़ो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो।
कहो स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका बायां हाथ हृदय पर रखो, राइट हैंड सर पर रखो। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदया। केवल 11 बार गुरु मंत्र जब मन में बोल लो और भैरव जी से प्रार्थना करो, गुरु जी से प्रार्थना करो कि हे भैरव, हम जब भी कोई साधना करेंगे आपका यह मंत्र 11 बार बोलेंगे, आप हमारी रक्षा के लिए आ जाना, ऐसा कहना। और आपकी साधना को आरंभ करने से पहले मैं साधना का विधान बताता हूँ। मैं ये साधना इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत बार बहुत लोगों को मैंने देखा है साधना सामग्री लेते हैं, घर को चले जाते हैं और साधना संपन्न नहीं करते। मैं शिविर में ही साधना करवाता हूँ, यही दीक्षा देता हूँ आपको, ताकि घर में जाने के बाद आप साधना करो या ना करो, उस यंत्र का फल आपको मिले जो यंत्र आप घर में ले जाते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखकर, आपकी इच्छा बोल लेकर आप इस साधना को आरंभ करो। आप जिस समस्या के लिए साधना करना चाहते हैं समस्या बोल लो और साधना को आरंभ करो। उससे पहले गणपति स्मरण हो गया, उसके बाद 11 बार गुरु मंत्र जब बोल लो और आपकी समस्या बोल लो। अब आगे का काम न्यास आदि उदय महाराज बोलेंगे, वो जैसा बोलेंगे वैसा करो। फिर एक बार आपसे कह रहा हूं, मैं ध्यान भूलता हूं, आप भैरव जी का स्मरण करके ये बताओ कि आपको क्या समस्या है और समस्या को कितनी जल्दी से जल्दी आप साधना में सिद्ध करना चाहते हैं। इस भैरव को मैं आपको निश्चित रूप से बोलता हूँ, आज यह साधना करने के बाद केवल यंत्र रखकर आप इस मंत्र का अगर एक लाइन जप करते हैं तो निश्चित रूप से भैरव आपको प्रत्यक्ष दर्शन देते ही है। ये मेरा अनुभव है और आपको भी कह रहा हूँ। आज साधना इसलिए करवा रहा हूँ कि आप घर में जाने के बाद कन्फ्यूज ना हो जाए। इस दीपकों को आज कहीं भी आप शिव जी के मंदिर में या यहीं यज्ञ कुंड के पास रख दे सकते हैं। केवल यंत्र और माला आपके पास आपके साथ ले जाए और आप घर में एक लाख मंत्र जप करते हैं तो आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो पूर्ण नहीं होगी। आपके सारे भय दूर होंगे, शत्रु दूर होंगे, कर्जा दूर हो जाएगा, धन का आगमन होगा। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने एक बार कहा था, वो अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे जा रहे थे, उतने में एक महाभैरव जो कपालिक भैरव था वो आया सामने और गुरु जी को कहने लगा, इतने सारे शिष्यों को ले जा रहा है मेरे साथ, आप तू बात करके तो देख। जब उसने गुरु जी को रोका तो गुरु जी के साथ आपकी जैसी हीनू नाम की एक छोटी सी लड़की थी, उसने गुरु जी को रोकने पर उसको इतना क्रोध आया और उसने कहा, तू मेरे गुरु जी को क्या बात करता है, मैं तुझे बताती हूँ, और उस कपालिक को खींच के थप्पड़ दिया। कपालिक डर गया कि ये लड़की मुझे मार रही है। उसने देखकर कहा, मैं तुझे क्या कर सकता हूँ। उसने कहा, तू कुछ नहीं कर सकता, मैंने मेरे गुरु के कहने पर प्रचंड भैरव साधना सिद्ध की है, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज भी कह रहा हूँ, ये यंत्र जिसके घर में होगा कोई तांत्रिक बाधा उसके घर में नहीं होगी और कोई तंत्र काम नहीं करेगा। आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा करता है तो थप्पड़ मारकर कहना, चाहे वो भूत हो प्रेत हो और कोई भी, एक बात यंत्र को आप सिंधु लगा कर कह देना कि आपके घर में तंत्र बाधा होगी ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये साधना संपन्न करनी जरूरी है। आप मेरे साथ मंत्र का उच्चारण एक बार करें। पहले ध्यान बोलता हूँ, ओम करकलित कपाल कुंडली दंडपाणी तरुण तिविर नीलो व्याल यज्ञोपवीति ऋतु समय सपत्या विघ्न विच्छेद हेतु जयंती भटुकनाथ सिद्ध सिद्ध साधकानां। साधक को सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस भैरव का ध्यान मैंने अभी आपको बताया। अब मैं मंत्र बोल रहा हूँ, मेरे साथ मंत्र बोलो। ओम राम ह्रीम ह्रूम रह क्षाम क्षीम क्षूम क्षह
क्राम क्रीम क्रूम क्रह ग्राम ग्रीम ग्रूम ग्रह म्राम म्रीम ब्रूम म्रह म्रोम 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 क्लोम 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 स्रोम 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 ज्रोम 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 हुम 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 फट सर्वतो रक्ष 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 भैरवनाथ नाथ हुम फट। और एक बार बोलता हूँ, ओम राम ह्रीम ह्रूम रह क्षाम क्षीम क्षूम क्षह क्राम क्रीम क्रूम क्रह ग्राम ग्रीम ग्रूम घ्रह म्राम म्रीम म्रूम म्रह म्रोम 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 क्लोम 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 स्रोम 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 ज्रोम 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 हुम 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 फट सर्वतो रक्ष 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 भैरवनाथ नाथ हुम फट। आप इस मंत्र को एक माला मंत्र करना चाहिए। अहिलेपन से कहता हूँ कि जो लोग साधना नहीं कर रहे हैं और कुछ शंका समाधान मेरे से पूछना चाहते हैं वो लाइन करके एक तरफ से आ जाओ एक तरफ से जाओ, उनका समाधान साधना हो तक। जो साधना करने वाले हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करने का। जो साधना नहीं कर रहे हैं और मुझे कुछ शंका समाधान पूछने के लिए आए हैं वो लोग लाइन लगाकर आ जाए, मैं शंका समाधान करूँगा।